14 अप्रैल भारत का नेशनल फायर सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड फॉलोड बाय वीक 14 से 20 अप्रैल तक हम ये वीक को ऑब्जर्व करते हैं। इसका मेन मोटो यही है कि जैसे सर ने बताया, जो एक बड़ा मुंबई डॉकेट में जो फायर हुआ था, जो फायरमैन शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके साथ लोगों में उसका अवेयरनेस भी फैले, इसके लिए ये वीक मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे हम ट्रेनिंग्स लेते हैं, मॉक ड्रिल्स लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉम्पिटिशन, और लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये मोटो जो है लोगों तक पहुँचे फायर सेफ्टी का। और इस साल का जो थीम है अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी इन ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अग्नि, तो ये मोटो इस टाइम का जो थीम है ये हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इसके लिए आज हमने ONGC में एक वैकेथॉन अरेंज किया था। मेरा नाम हर्षिनी बापूराव कान्हेकर, मैं चीफ मैनेजर फायर सर्विसेज हूँ, इंचार्ज फायर। आज एक्चुअली हम लोग नए फायर जो सेफ्टी वीक सर्विस वीक है, ये एक सप्ताह के लिए हम 14 मार्च से इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन हमारे 1944 में एक मुंबई डॉकयार्ड में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें करीब 71 फायर सर्विस मैन जो हमारे वो शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दिन को एक फायर सर्विस डे के दिन में मनाती है, और 14th मार्च को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, 14th अप्रैल को, सॉरी। और ये इसमें एक मैसेज होता है कि लोगों को अवेयरनेस करना, फायर सेफ्टी के बारे में जानना कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और कितना खतरनाक रूप ले सकता है। हमें सभी को मालूम होना चाहिए कि फायर कंट्रोल कैसे हो, और फायर से हम कोई इस तरह का कुछ ना खेलें, और जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं फायर के वो हम लोगों को इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तरह तरह के इवेंट्स होते हैं इसमें जो हम क्यूज कराते हैं बच्चों का, जिसमें भी अवेयरनेस होता है, पेंटिंग कंपटीशन होता है, स्कूल में जाके फायर मॉक ड्रिल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलेशन में मॉक ड्रिल करते हैं, और एक तरह का मैसेज जो है हम पूरे सोसाइटी में देना चाहते हैं कि ये फायर सर्विस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, फायर सर्विस डे, और फायर सेफ्टी हम कैसे करें, यही हमारा मैसेज। फायर लेडी भी है, फर्स्ट फायर लेडी तो हर्षनी है हमारे साथ, ये ONGC की और हमारे कंट्री की फर्स्ट फायर लेडी है, तो ये भी अपने बताएंगे, ये इंचार्ज फायर है यहाँ पे। तो मैडम आप भी थोड़ा बताइए इनके बारे में। जी सर, ये 14 अप्रैल एक नेशनल फायर सर्विस डे है भारत में, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जो गाड़ी को आते हैं हल्के में, वो जीवन को डालते हैं जोखिम में। Awareness and fire safety for growth of national infrastructure Agni. A matchstick has a brain. A matchstick has a head, but not a brain. Alert your brain when you. आज की दुर्घटना वहीं घटी जहां लापरवाही बड़ी। Accident brings fear, fire safety brings fear. Uncontrolled fire knows no frontiers. Ensure fire and safety, save life, save property. जो जिंदगी को आते हैं हल्के में, वो जीवन को डालते हैं जोखिम में। सर गुड मॉर्निंग सर। कभी ना इस्तेमाल करो वहाँ पानी। अगली सुरक्षा से नाता जोड़ो, लापरवाही करना छोड़ो। एक बात याद रखिए जरूर, बच्चों को आप रखिए दोस्त। अग्नि सुरक्षा उपकरणों का रखें उचित रखरखाव, तभी होगा अग्नि दुर्घटनाओं से बचाओ। সকল সমস্যার সমাধান নিয়ে রাজধানী আগরতলাতে আপনাদের সাথে থাকছে হার্টবিট মাল্টি স্পেশালিটি ডক্টরস ওপিডি, গাইনি ক্লিনিক, অ্যালার্জি ক্লিনিক এবং সুগার ক্লিনিক।
গাইনি ক্লিনিকে থাকছেন ডক্টর পম্পা দেববর্মা, এলার্জি ক্লিনিকে থাকছেন ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী। আগামী 14 মে যোগাযোগ করতে পারেন এলার্জি ক্লিনিকে। সুগার ক্লিনিকে প্রতি শনি এবং রবিবার থাকছেন ডক্টর পরমকর। তার জন্য দেরি না করে বুকিং করুন হার্টবিট মাল্টি স্পেশালিটি ডক্টরস ওপিডি, রামনগর 2 এবং 3 এর মাঝামাঝি মেইন রোডের ওপর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। যোগাযোগ মাধ্যম 6009073061 অথবা 7640947799 অথবা 9774241220।